हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो फन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग जनकों को बहुत ही गुस्से से बोलते हैं कि आपको किसने कहा मेरा फिक्र करने के लिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनकों त्यांग को बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, सुनो तुम जो सोच रहे हो ना। लेकिन त्यांग कुछ नहीं सुनते हैं और जंकों को बोलते हैं, मुझे आपसे बात नहीं करना है, प्लीज़ आप मेरे सामने से चले जाइए। लेकिन जंकों फिर भी त्यांग को समझाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन जिमिन आकर त्यांग को बोलते हैं, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम जंकों के साथ रूठ बन रहे हो? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जंकों के साथ इस तरह से बात कर रहे हो? जंकों तुम उसको कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो और उसकी बातें क्यों सुन रहे हो? तुम उसको समझाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? चलो मेरे साथ। जिमिन जंकुक को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंकुक त्यांग को बोलते हैं, मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो, तुमने जो सुना है। लेकिन त्यांग अपने कान बंद कर लेते हैं और बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज़। उसके बाद जिमिन जंकुक को अपने साथ लेकर जाते हैं। जंकुक तुम्हें हो क्या गए हैं, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम माफिया किंग जियोन जोनकुक हो और तुम एक 16 इयर्स बॉय को मनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें जोनकुक? चलो मेरे साथ। और तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो, तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते हो ना? तो फिर वो गुस्सा करे, नाराज़ हो जाए या फिर कुछ भी करे, तुम्हें क्या? जिमिन जोनकुक को बोलते हैं, चलो यहाँ पर रिलैक्स होकर बैठ जाओ। योंगी बोलते हैं, क्या हुआ, अब तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है ना? जिमिन योंगी को चुप कराते हैं और इसके बाद ड्रिंक बनाते हैं और जंकुक के सामने देते हुए बोलते हैं, चलो इसको पियो, देखना अच्छा लगेगा और उसके बारे में इतना सोचना बंद करो, ठीक है? वो अगर नाराज़ भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी उसकी नाराज़गी से क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हें? हाँ, तुम थोड़ी उसे प्यार करते हो। जंकुक जिमिन की एक ही बातों से परेशान हो रहा था, उसके दिमाग फट रहे थे। आखिर में वो ड्रिंक करना शुरू करते हैं ताकि जिमिन की बात उसके कान में ना आए। बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं जंकुक, उसके बाद उसके होश नहीं रहते हैं और वो त्यांग के पास जाते हैं। त्यांग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि जंकुक इतना गुस्से में लग रहे हैं और उसने बहुत ड्रिंक भी कर लिया है। त्यांग उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं ताकि जंकुक उसके साथ कुछ भी ना कर पाए, क्योंकि अब वो नहीं चाहते हैं कि जंकुक उसके करीब जाए। लेकिन जंकुक त्यांग के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? हाँ, त्यांग जंकुक को कुछ नहीं कहते हैं और अपने मुंह को हाथों से कवर कर लेते हैं, क्योंकि जंकुक ने इतना ड्रिंक कर लिया था उससे थोड़ा सा बदबू आ रहा था ड्रिंक के। तो फिर जंकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम अपना मुँह क्यों इस तरह से ढक रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे बदबू आ रहा है? हाँ, अब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? उसके बाद जंकुक बोलते हैं, नहीं तुमने तो मुझे कभी पसंद किया ही नहीं, क्योंकि मैं एक माफिया किंग जो हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ ना त्यांग। लेकिन क्यों तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो, क्यों मुझसे नफरत करते हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैं जब भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा क्लोज होने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे साथ दिल से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि दिल क्या है, तब भी कुछ ना कुछ होते जा रहा था और अब तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, बोलते बोलते जंकुक त्यांग के ऊपर गिर जाते हैं। त्यांग जंकुक को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंकुक त्यांग के होठों पे अपने फिंगर से सिलेक्ट करते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे हटा क्यों रहे हो तुम्हारे ऊपर से, क्या तुम्हें अब मेरा टच अच्छा नहीं लगता है? नहीं नहीं तुम्हें तो कभी अच्छा नहीं लगा, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। उसके बाद जंकुक त्यांग की लिप को टच कर रहे थे, लेकिन त्यांग जंकुक को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंकुक त्यांग के होठों पे किस कर लेते हैं और बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। आखिर में उसकी हैंड दोनों हाथों से कसके पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूंगा क्या? उसके बाद जंकुक त्यांग को कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था, त्यांग की कपड़े को फाड़ डालते हैं और उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा था, बाइट भी कर रहे थे और त्यांग के साथ इंटीमेट हो जाते हैं आखिर में, और बहुत ही ज़्यादा हार्डली ये सब कुछ कर रहा था। त्यांग को इतना पेन फील हो रहे थे कि वो बता नहीं सकते हैं, वो
वो रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो आवाज़ भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतनी पेन होने के बावजूद कोई इंसान कैसे नहीं रोएगा बिना आवाज़ के। जॉन को त्यांग के मुंह में टांग को इन करते हुए ऐसा करना शुरू करते हैं और उसके बाद कंटिन्यूसली वो उसके साथ ऐसा कुछ किए जा रहा था। और अब ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। त्यांग अब जंगकुक से बहुत नाराज थे और उसके बाद जंगकुक भी अपने काम में इतना बिजी हो गए थे कि त्यांग को समझाने की मौका ही नहीं मिला उसको, सिवाय इंटीमेसी के। जंगकुक त्यांग के साथ हर रोज इंटीमेट तो होते हैं, लेकिन उसके साथ अब पहले जैसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था उसको, और ना ही जंगकुक उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि त्यांग उससे थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे ना इसलिए। अब जैसे दिन बीते जाते हैं, त्यांग की एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके थे और कुछ दिन बाद उसकी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट निकल जाते हैं, जिसे त्यांग बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट करते हैं और वो फर्स्ट जाते हैं। उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश थे और जॉनकुक को थैंक्स बोलते हैं त्यांग को पढ़ाने के लिए। और ऐसे कुछ मंथ बाद त्यांग के पेरेंट्स जॉनकुक को बोलते हैं कि त्यांग के बर्थडे आने वाले हैं। जॉनकुक त्यांग के बर्थडे के बारे में सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि त्यांग अब 17 साल का हो जाएगा। त्यांग यहाँ पर बहुत ही डरा हुआ था पहले, लेकिन अभी वो बहुत खुश है कि वो 17 साल का हो जाएगा और जॉनकुक से उसको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जॉनकुक दोबारा से किसी 16 ईयर्स बॉय को अपने पास लेकर आएगा और त्यांग को छोड़ देगा। त्यांग को ऐसा लगता है कि वो अब फ्री हो जाएगा। आखिर में त्यांग के बर्थडे है और अब रात के 12 बजने ही वाले हैं। जॉनकुक त्यांग को नींद से उठाने की कोशिश करते हैं। त्यांग को लगता है कि जॉनकुक अपने प्लेजर के लिए त्यांग को उठा रहे हैं। त्यांग जॉनकुक को घूरने जा रहा था बहुत ही गुस्से से, लेकिन जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं चलो उठ जाओ और मेरे साथ चलो। त्यांग बोलते हैं कहाँ? जॉनकुक बोलते हैं क्वेश्चन मत करो। उसके बाद उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं और उसको सीढ़ियों से नीचे लेकर जाते हैं। त्यांग को ऐसा लगता है शायद जॉनकुक आज उसकी आंखों को बंधे हुए उसके साथ इंटीमेट होने वाले हैं, लेकिन नहीं। जॉनकुक त्यांग की आंखों को खोल देते हैं और त्यांग देखते हैं कि हर तरफ से अंधेरा ही है, कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक 12 बज जाते हैं और लाइट ऑन हो जाते हैं। सब लोग त्यांग को बर्थडे विश करते हैं। त्यांग बहुत ही शौक हो जाते हैं। त्यांग की पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं और त्यांग अपने पेरेंट्स को देखकर रोना शुरू करते हैं। त्यांग की पेरेंट्स त्यांग को आकर गले लगा लेते हैं, उसको बर्थडे विश करते हैं। जॉनकुक ये सब कुछ देख रहा था, उसको अच्छा लग रहा था त्यांग की खुशी देखकर कि त्यांग को उसने खुश कर पाया। त्यांग के पेरेंट्स त्यांग को बोलते हैं तुम अपने हस्बैंड को थैंक्स कहो, ये सब कुछ उसने किया है, हमने नहीं। त्यांग जॉनकुक को देखते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। जॉनकुक त्यांग को हक करते हुए हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। जिमिन युंगी सब लोग बहुत ही शौक है कि जॉनकुक को हो क्या गया है। उसके बाद त्यांग जॉनकुक की बर्थडे विश करने से खुश तो होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते हैं। वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं मुझे ऐसी बर्थडे नहीं चाहिए जो एक माफिया गैंग मेरे बर्थडे मना रहे हो। त्यांग के पेरेंट्स कहते हैं क्या माफिया? त्यांग इतने दिनों से अपने पेरेंट्स से छुपा रहा था, लेकिन आज वो खुद अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि जॉनकुक एक माफिया है। त्यांग के पेरेंट्स शॉक होने की एक्टिंग करते हैं, जबकि जॉनकुक ने उन दोनों को पहले ही यहाँ पे आने से पहले बोल दिया है कि वो एक माफिया किंग है, लेकिन अब वो सुधारना चाहते हैं त्यांग के लिए, लेकिन इस बात के बारे में त्यांग को नहीं पता है। और जॉनकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ कहना है इससे पहले कि तुम अपने पेरेंट्स को और कुछ कहो। जॉनकुक की बात सुनकर त्यांग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि जॉनकुक क्या बोलने वाले हैं, कहीं वो मुझे धमकाने तो नहीं वाले हैं ना। ऐसे भी उन्होंने तो कहा था कि जैसे ही मैं 17 साल का हो जाऊंगा वो किसी और बॉय को लेकर आएगा, तो अब मुझे डरा धमका के क्या होगा, अब तो मैं ऐसे भी फ्री हो जाऊंगा और मैं अपने पेरेंट्स के साथ खुश रह सकता हूँ। लेकिन जॉनकुक अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और अपनी जेब से एक रोज़ निकालते हैं और मुस्कुराते हुए जॉनकुक त्यांग के सामने उस रोज़ को लेकर जाते हैं और बोलते हैं त्यांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात पे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। मैं इतने दिनों से तुमसे दूर रहने की कोशिश किया, मैं अपने काम में बिजी हो गया, तुम्हें भी टाइम दिया और खुद भी टाइम ले रहा था, लेकिन तब जाकर मुझे पता चला
कि हाँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है दियांग, और मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। दियांग जानको कब बोलते हैं, तो फिर वो क्या जो आपने उस दिन कहा था? आप किसी और, तो फिर जानको दियांग को बोलते हैं। हाँ तुमने जो कुछ भी सुना था आधा अधूरा था, मैं उस दिन बोल रहा था, लेकिन मैंने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और बॉय के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरे लिए काफ़ी हो। तुम चाहे कितने भी साल के हो जाओ, तुम ही मुझे चाहिए। तुमने ये नहीं सुना क्या? जॉनको की बात सुनकर दियांग शॉक हो जाता है। क्या उस दिन ये भी कहा था उन्होंने? लेकिन मैंने तो नहीं सुना है, जॉनको बोलते हैं। हमेशा अधूरी बात को सुनकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पूरी बात को सुन लेना चाहिए। और आखिर में तुम फिर से आए और कुछ और ही सुन लिया, अब उसी बातों को लेकर मत बैठ जाना। दियांग मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है क्योंकि मैं माफिया किंग हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं खुद को बदल नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। और इस बात के लिए मैं जिमिन को थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिमिन ने मुझे समझाया है कि प्यार क्या होता है, और तब जाके मुझे पता चला। दियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ ऐसे ही तुम मेरे साथ रहो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें छोड़कर कभी किसी के साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, और ना ही किसी के बारे में सोचूंगा। मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। दियांग क्या तुम मुझसे दोबारा से शादी करना चाहते हो? 17 ईयर्स ओल्ड में तुम 16 ईयर्स के थे, और तुम्हें लगा कि मैं 17 ईयर्स होने के बाद तुम्हें छोड़कर किसी और को लेकर आऊँगा, है ना? लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी 17 ईयर्स में भी तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ऐसे ही हर साल जब तुम बर्थडे मनाओगे तब हम शादी करेंगे और दोबारा से अपनी लाइफ को जीने लगेंगे। दियांग इस बात को सुनकर मुस्कुराता है और बोलते हैं, लेकिन आप माफिया किंग हो और मेरे डैड मॉम। दियांग के डैड और मॉम बोलते हैं, दियांग हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो, कि तुम गुस्से में हम दोनों को बोल दिया कि तुम्हारा हस्बैंड माफिया किंग है, अब क्या होगा, है ना? लेकिन जानकुक ने पहले ही हमें बोल दिया है कि वो एक माफिया किंग है, लेकिन जब हमें पता चला हम बहुत ही डर गए थे और तुम्हारे लिए परेशान हो गए थे, लेकिन जानकुक ने हमें भरोसा दिलाया कि वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगा और ना ही हमारा। उसके बाद भी फिर भी हमने उसको माफ़ करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारे लिए जानकुक के प्यार देकर उसको माफ़ करने के बारे में फिर हमने सोचा। जानकुक तुमसे बहुत प्यार करता है त्याग, और ऐसे प्यार करने वाले बहुत ही कम मिलता है। हाँ हम मानते हैं कि वो माफिया किंग है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब वो तुम्हारा हस्बैंड भी है और अब वो तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहते हैं, क्या तुम उसको एक मौका नहीं दोगे? त्याग मुस्कुराता है और जानकुक के हाथों से रोज़ को लेते हैं। जानकुक त्याग को एक अंगूठी बाहर निकालते हुए बोलते हैं, डू यू मैरी मी? त्याग ब्लश कर रहा था। जानकुक त्याग की फिंगर पे उस रिंग को पहनाते हैं और उसकी फिंगर पे किस करते हैं। वो खड़े हो जाते हैं और जानकुक त्याग को हक कर लेते हैं। त्याग भी जानकुक को टाइटली हक कर लेते हैं। बहुत दिनों बाद त्याग को अपना हस्बैंड अपने पास मिल गया। युंगी जानकुक को बोलते हैं, जानकुक तुम्हें क्या हो गए है? तुम खुद जिमिन को बोल रहे थे मुझे छोड़ने के लिए ताकि वो खुद को ना बदले, और तुम त्याग से प्यार कर बैठे और उसके लिए खुद को बदलना चाहते हो। जानकुक युंगी को बोलते हैं, सॉरी कि मैंने ऐसा कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आखिर में प्यार ऐसा चीज़ है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी युंगी। जिमिन, अब मैं कभी भी तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि युंगी के लिए खुद को बदलो मत और उसको छोड़ दो। तुम्हें युंगी के लिए खुद को बदलना है तो बदल सकते हो। युंगी जिमिन को बोलते हैं, नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जैसे भी हो वैसे ही ठीक हो। त्यांग के मॉम डैड बोलते हैं, त्यांग के बर्थडे का टाइम हो गया है, क्या तुम लोग को नहीं लगता है कि अभी त्यांग को बर्थडे केक कट करना चाहिए? जानकुक बोलते हैं, हाँ त्यांग चलो तुम अपना केक कट करो। त्यांग जानकुक को बोलते हैं, आप भी मेरे साथ आइए। उसके बाद जानकुक का त्यांग साथ में केक को कट करने से पहले त्यांग के मॉम बोलते हैं, त्यांग पहले अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ विश कर लो, उसके बाद कैंडल बुझाओ और केक कट करो। जानकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम क्या मांगने वाले हो? त्यांग बोलते हैं, मैं नहीं बता सकता हूँ, अगर बोल दूंगा तो वो विश पूरा नहीं होगा। जानकुक त्यांग को बोलते हैं, ठीक है तो फिर मत बताना,
मैं यही दुआ करूँगा कि तुम्हारा विश पूरा हो जाए। तियांग जंगकुक को बोलते हैं, अगर मैंने ऐसा कुछ विश किया कि मैं आपसे दूर हो जाऊँ। उसके बाद जंगकुक तियांग से प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा, तुम जो भी करने के लिए कहोगे मैं वो ही करूँगा, फिर भी मुझे मत छोड़ के जाना। तियांग, अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं पागल हो जाऊँगा, ऐसा मत करो तियांग मेरे साथ। तियांग मुस्कुरा के बोलते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। जंगकुक तियांग के होठों पे किस कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग टाइम के लिए उसको किस कर रहा था। सब लोग उन दोनों की ही देखे जा रहे थे। तियांग थोड़ा सा शाई फील कर रहा था क्योंकि उसके पैरेंट्स भी यहाँ पर है। जैसे ही जंगकुक उससे अलग होते हैं, तियांग वो शाइनेस की वजह से अपने सर को नीचे करके रखा था और जंगकुक की बाहों में उसको छुपा के रखा था। जंगकुक तियांग को बोलते हैं, क्या हुआ, केक कट नहीं करने वाले हो क्या, बहुत लेट हो गए हैं। तियांग बोलते हैं, आपकी वजह से। जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, और इसके बाद और लेट ना हो जाए, जल्दी से केक कट कर लो क्योंकि तुम जानते हो इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ। जंगकुक तियांग को इशारा करते हैं अपनी बेडरूम की तरफ। तियांग समझ जाते हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में ये दोनों साथ में केक कट करते हैं। जंगकुक तियांग को केक खिलाता है और तियांग भी जंगकुक को केक खिलाते हैं। तियांग अपने पेरेंट्स को केक खिलाते हैं। सब लोग बहुत ही अच्छे से चल रहे थे, सब बहुत खुश थे, अपने अपने धुन में बिजी हो गए थे और जंगकुक तियांग की होठों पे क्रीम लगा हुआ था, इसलिए उसको दोबारा से किस करने जाने ही वाले थे कि तियांग जंगकुक को रोक देते हैं। तो फिर जंगकुक तियांग को बाहों में उठा लेते हैं और सीढ़ियों से उसको बेडरूम तक लेकर जाते हैं। जैसे ही बेडरूम पहुंच जाते हैं, जंगकुक तियांग के होठों पे किस कर लेते हैं और किस करते करते तियांग के कपड़ों को खोलने लगते हैं। तियांग भी जंगकुक के कपड़ों को खोलने लगते हैं अपने हाथों से। उसके बाद दोनों की ही बॉडी शो हो रहे थे। जंगकुक तियांग को बेड में पुश कर देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं, उसके नेक पे किस करते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और अब दोनों ही साथ में बहुत खुश है। और जंगकुक खुद को बदल पाएगा या नहीं ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस फैन फिक्शन को यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फैन फिक्शन 16 ईयर्स के साथ जुड़ा हुआ था और अब तियांग 17 ईयर्स के हो गए हैं, तो इस फैन फिक्शन को मैं आगे भी नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि आप लोग के व्यूज़ कम हो गए हैं और मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो रहे हो। तो आप लोग को ये फैन फिक्शन कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।